दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक रेफ्रिजरेटर में कौन कौन सी एसेसरीज का इस्तेमाल होता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे टाइमर के बारे में। टाइमर रेफ्रिजरेटर के डिफ्रोस्टिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टाइमर में चार पॉइंट है, 1, 2, 3 और 4, और जिसका काम अलग अलग स्विचिंग करना है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसके बाद बारी आती है डिफ्रोस्टिंग हीटर की। इसके सिर्फ दो ही पॉइंट है और ये 250 वोल्ट पे काम करता है। यह है बाईमेटल, और फ्रिज में कई तरह के बाईमेटल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे रेफ्रिजरेटर के कूलिंग कॉइल में फिटिंग किया हुआ रहता है। यह है कूलिंग फैन जो 250 वोल्ट पे काम करता है, और इससे रेफ्रिजरेटर के कूलिंग कॉइल के हिस्से में, मतलब ऊपर के फ्रीज़र बॉक्स में फिटिंग किया हुआ रहता है। इसके साथ में एक फ़ैन भी लगा हुआ रहता है। यह कूलिंग फैन कोल्ड एयर को पूरे रेफ्रिजरेटर में सर्कुलेट करने का काम करता है। यह है रिले और यह है ओवरलोड प्रोटेक्टर। यह कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम करता है, और इसका काम है कंप्रेसर को ओवरलोड करंट से प्रोटेक्ट करना। जब भी हमारा कंप्रेसर ज़्यादा करंट खींचने लगेगा तो ये इसे इसका पावर कट कर देगा। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।